हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इल्यूम साइंस क्लास नंबर 278। आज हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है एटाविज्म, उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। देखो एटाविज्म, ये पिक्चर देखो आप। इस पिक्चर में आप क्लियरली एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस बेबी में टेल दिखाई दे रही है। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में इस लेंथ की टेल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, टेल इज एब्सेंट, बट इस केस में आपको ये दिखाई दे रही है। नाउ सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्लियर देखोगे तो इस केस में आपको इस पर्सन में जो कैनाइन टूथ है वो कुछ ज्यादा ही शार्प और लॉन्ग दिख रहा है। इट इज शार्पर एंड लॉन्गर, जबकि जनरली इतना ज्यादा शार्प और इतना ज्यादा लंबे लेंथ में कैनाइन नहीं रहता। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे बट हम लोगों में नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा फीचर जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था वो ऑल ऑफ अ सडन हमें दिखाई देता है। उसी प्रोसेस को आप कहते हो एटाविज्म। इट इज द रीअपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर व्हिच हैज आइदर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड और ग्रेटली रिड्यूस्ड। ये स्ट्रक्चर्स या तो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए थे या फिर उनका जो लेंथ जो था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी एक जनरेशन में ये दिखाई देने लगते हैं इस तरह के फीचर्स, उनको आप कहते हो एटाविज्म। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये एंसेस्ट्रल करेक्टर्स की बात चल रही है, पेरेंटल करेक्टर्स की नहीं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में भी है और आप में भी है, एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, बहुत जो हमारे एंसेस्टर्स थे पहले के। अब जैसे टेल, तो आपको पता है कि हम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे मंकीज, उनमें टेल प्रेजेंट होती है, तो ये टेल का अपीयरेंस। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग टीथ जो जो कुछ आपने मैमल्स देखे होंगे जैसे कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग्स की भी अगर हम बात करें तो इनिशियली हम लोग जो एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ज्यादातर फ्लैशी फूड खाते थे, उसके लिए हमारे कैनाइंस जो थे वो शार्प ज्यादा थे, बट वो फीचर धीरे धीरे डिसअपियर होता गया। बट एकदम से अगर इस तरह का कोई फीचर किसी जनरेशन में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एटाविज्म या फिर रिवर्शन या फिर थ्रोबैक। ये तीनों टर्म्स एक ही है, एटाविज्म, रिवर्जन और थ्रोबैक। रिवर्जन का मतलब रिवर्स, रिवर्सल, यानी वो करेक्टर रिवर्सल शो कर रहा है, यानी अब नहीं था, विद एवोल्यूशन वो धीरे धीरे खत्म होता गया, अब रिवर्सल शो करके वापस अपीयर हो रहा है, दैट इज एटाविज्म। और उसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल है ऑकरेंस ऑफ अ शॉर्ट टेल इन सम बेबीज, कुछ बेबीज में आपको बहुत छोटी टेल दिखाई देती है। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ। उसके अलावा कई बार ह्यूमन बींग्स में आपको इस तरह से एक एडिशनल जो है मेमे दिखाई देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन टू रोज इन सम पर्संस, क्योंकि एंसेस्ट्रली अगर हम देखें तो हमारे एंसेस्टर्स में जो है मल्टीपल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती थी, बट ह्यूमन बींग्स में केवल दो ही मेमोरी ग्लैंड्स हैं, बट इस तरह के मेमे एडिशनली भी अगर दिखाई दें तो वो एटाविज्म का एग्जाम्पल है। इस केस में आप जो है पिन्ना का जो है वो पिन्ना मूवेबल है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली पिन्ना मूव नहीं करता, बट हमारे एंसेस्टर्स में अगर हम बात करें तो जो पिन्ना था वो पिन्ना मूवेबल रहता है। वो इसीलिए था ताकि उस मूवमेंट की वजह से, उस पिन्ना के मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स को जो है एक जगह पे कलेक्ट किया जाता था, बट ह्यूमन बींग्स में एट प्रेजेंट ऐसा नहीं होता। तो जो पावर ऑफ मूविंग पिन्ना वॉज प्रेजेंट इन आर एंसेस्टर्स, बट Sometimes it appears all of a sudden in one of the generation and that is called as atavism. Now in this case आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी long dense hair present है। जो हमारे ancestors थे we all know कि उनमें काफी लंबे और घने बाल हुआ करते थे, ठीक है, पूरी बॉडी पर, बट अब ह्यूमन बींग्स में ऐसा पूरी बॉडी पर नहीं होता। अभी मोस्टली अगर देखा जाए तो जो अपने scalp hairs हैं वही इस तरह के long और dense रहते हैं, बट कई बार इस तरह के करेक्टर्स वापस अपियर भी होने लगते हैं। दिस इज अटाविज्म। अटाविज्म के एग्जांपल्स प्लांट्स में भी हमें मिलेंगे। प्लांट्स में अगर हम सिट्रस लीफ की बात करें तो देखो आज के टाइम पे आपको सिट्रस का लीफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका जो पिटियोल है वो पिटियोल कुछ इस तरह से, देखो ये पिटियोल हो गया इसका, ये दिस इज द पिटियोल, और यहाँ पर आपको ये इस तरह से विंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको हम कहते हैं विंग्ड पिटियोल। ये नॉर्मल लीफ है, बट कई बार हमें सिट्रस के अंदर ये लीफ कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये कुछ ऐसा, यानी जो पिटियोल विंग की तरह था वो अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चीज ये शो करती है कि एंसेस्टर्स में, जो सिट्रस के एंसेस्टर्स थे उनमें ये जो लीफ हुआ करती थी पहले ट्राइफोलिएट हुआ करती थी, ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ होती थी, मतलब कुछ ऐसी आप समझ लो ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ,
बट धीरे धीरे विद एवोल्यूशन ये जो दो दूसरे कंपाउंड लीफ के कंपोनेंट्स थे वो दोनों क्या होते गए, रिड्यूस होते गए, और रिड्यूस होते होते ये बिल्कुल इतने ज्यादा रिड्यूस हो गए कि अब केवल विंग्ड पिटी और ऐसा दिखाई देता है। बट कुछ केसेस में सिट्रस में आपको ये एबनॉर्मल स्मॉल लिफलेट भी दिखाई देती है। तो दिस शोज अटाविज्म। इट वॉज वंस ट्राइफोलियट कंपाउंड बट ड्यूरिंग एवोल्यूशन टू लिफलेट्स डिजनरेटेड। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अटाविज्म इन प्लांट्स। I hope you got the concept. Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such informative videos.